तो हाय गाइस, आज हम देखने वाले पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि सिट्रन C3 इलेक्ट्रिक की बुकिंग को ओपन कर दिया गया है। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं तो 25,000 रुपीज़ के टोकन अमाउंट से आप इस कार को बुक कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के प्राइसेस को नेक्स्ट मंथ रिवील कर दिया जाएगा। हुंडई ऑरा के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है। ये आपको 6.29 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 8.87 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। पहले की तरह इस गाड़ी में आपको टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन नहीं मिलेंगे, सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलेगा और साथ ही साथ कंपनी फिटेड CNG किट ऑप्शन। ऐसी न्यूज आ रही है कि हुंडई वेन्यू के एक अपडेटेड वर्जन को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 4 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे हर किसी वेरियंट के साथ। बाकी हाल फिलहाल मिलने वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 100 BHP की पावर ट्रेनिंग करता है, उसे डिसकंटिन्यू करके हुंडई क्रेटा वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन लॉन्च करेगा जो कि प्रोड्यूस करता है 115 bhp की पावर। साथ ही साथ माइलेज को इंप्रूव करने के लिए इसमें आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर भी मिलने वाला है। महिंद्रा बोलेरो नियो के लिमिटेड एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है। ये आपको 11.49 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। ये वेरियंट बेस्ड है N10 वेरियंट के ऊपर और ये वेरियंट N10 वेरियंट के कंपेरिजन में 28,000 रुपीज़ एक्सपेंसिव है। महिंद्रा XUV700 के प्राइसेस को बढ़ाया गया है। एक्सट्रीम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको 13.45 लाख रुपीस से शुरू होकर 25.48 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। पेट्रोल वेरिएंट के प्राइसेस को लगभग 50,000 रुपीस जबकि डीजल के 64,000 रुपीस तक बढ़ाया गया है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया गया है। इसमें आपको 2.4 लीटर डीजल इंजन मिलेगा सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसकी भी बुकिंग स्टार्ट कर दी गई, तो अगर आप बुक करना चाहते हैं तो 50,000 रुपीस पे करके बुक करा सकते हैं अपनी इनोवा क्रिस्टा को। नेक्स्ट जनरेशन BMW X1 को लॉन्च कर दिया गया है। ये आपको 45.9 लाख रुपीस से शुरू होकर 47.9 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसमें आपको दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन मिल जाते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि इनोवा हाईक्रॉस को अभी हाल ही में लॉन्च किया था, उसकी डिलीवरी भी इस हफ्ते से स्टार्ट हुई है, तो अगर आपने भी बुक करी है तो आपको जल्दी मिल जाएगी। होंडा सिटी जो कि सी सेगमेंट सेडान्स की किंग है, उसके फेसलिफ्ट को मार्च 2023 में लॉन्च किया जाएगा। टोयोटा हाईराइडर जो कि टोयोटा की तरफ से आने वाली एक कॉम्पैक्ट SUV है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, इसकी वेटिंग पीरियड लगभग 3 साल तक जा चुकी है। एस माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट जो कि इस गाड़ी का सेकंड बेस वेरिएंट है, उसकी वेटिंग 36 मंथ्स यानी कि 3 साल है। बाकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स की वेटिंग लगभग 6 से 7 महीने है। मारुति ग्रैंड वीटर की 11,177 यूनिट्स को रिकॉल कर दिया जाएगा क्योंकि इन गाड़ियों के रियर सीट बेल्ट में कुछ इशू है जो कि मारुति वाले रेक्टिफाई करके आपको गाड़ी वापस देंगे। महिंद्रा XUV400 जो कि XUV300 का EV वर्जन है, उसके बुकिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं तो 21,000 रुपीज़ की टोकन अमाउंट से आप इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं। तो इस हफ्ते की आखिरी न्यूज़ ये है कि टाटा अल्ट्रोस के 1,75,000 यूनिट्स की सेल्स मार्क क्रॉस हुई है, तो टाटा मोटर्स को हार्दिक बताएं। तो यही थी पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कहानियों। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।